तो नाम में क्या रखा है, बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मरला क्या होता है, एक मरले जमीन की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, कितने स्क्वायर फुट इसमें जमीन होती है, और कितने इसमें मतलब कितनी कर्में इसमें होती हैं, और एक कर्म में कितने फुट जमीन होती है। ये सब आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, बीच में बिल्कुल भी कट मत करें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जहाँ पे मैं अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, आपको समझाता रहूँगा, इसमें अच्छी तरह से आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले की बात करते हैं कर्म की, एक कर्म की लंबाई कितनी होती है। एक कर्म की लंबाई होती है 5.5 फुट, 5.5, इतनी लंबाई होती है एक कर्म की, ठीक है ना। और तीन कर्मों का हो मतलब तीन कर्मों की जितनी लंबाई होती है उतनी लंबाई होती है एक मरला की। मतलब इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है, तीन कर्मों की लंबाई हो गई इतनी, ठीक है ना। तो इतनी लंबाई होती है एक मरला की, ठीक है ना। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी इतनी ही होती है 16.5, 16.5 फुट, तो उतनी ही लंबाई होती है उतनी चौड़ाई। टोटल कितने मतलब स्क्वेयर फुट कितने होते हैं इसमें वो भी देख लीजिए, 272.25, तो इतने स्क्वेयर फुट ज़मीन होती है एक मरला में, ठीक है ना। ज़्यादातर एरियो में यही लंबाई चौड़ाई चलती है मरला की, किसी किसी एरिया में ये मरला छोटा बड़ा हो भी सकता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।